जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम, 7H न्यूज में आपका इस्तकबाल है। जुबली हिल्स इस्मत रेजी मामला अब सियासत का मसला बन चुका है। इस मामले के खिलाफ कई पार्टियों ने आवाज उठाई है। ऐसे ही वाईएसआर तेलंगाना पार्टी के कारकुन ने मीडिया से बात करते हुए नौ मुंतखब वक्फ बोर्ड चेयरमैन मसीउल्लाह पर तंज भरे लहजे में नुक्ताचीनी करते हुए बरहमी जाहिर की और वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली को भी आड़े हाथों लिया। इन्होंने कहा कि अपने पोस्टों का फायदा उठाकर इस मामले को दबाने और अपने बच्चों की गलतियों को छुपाने की कोशिश करने की भी बात कही। इन्होंने मसीउल्लाह पर बरहमी जाहिर करते हुए कहा कि तुम अपनी औलाद को नहीं संभाल सके तो वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारियों को क्या संभाल सकते। इन्होंने मसीउल्लाह और मोहम्मद महमूद अली को फौरन इस्तीफा देने की बात कही। आइए देखते हैं 7H न्यूज की ये रिपोर्ट और सुनते हैं मजीद तफसीलात उन्हीं की जुबानी। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मसीउल्लाह को सस्पेंड करो, मसीउल्लाह को सस्पेंड करो, मसीउल्लाह को सस्पेंड करो, वक्फ बोर्ड चेयरमैन, वक्फ बोर्ड चेयरमैन, मसीउल्लाह को सस्पेंड करो, 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 वक्फ बोर्ड चेयरमैन, वक्फ बोर्ड चेयरमैन, आज ये बच्ची के साथ हुआ, कल हमारी बहन के साथ हो सकता, ऐसे दरिंदा सिफत आदमी को फांसी दियो। वक्फ बोर्ड चेयरमैन डाउन डाउन, वक्फ बोर्ड चेयरमैन डाउन डाउन, वक्फ बोर्ड चेयरमैन डाउन डाउन, गुनहगारों को फांसी दो, गुनहगारों को फांसी दो, रेपिस्टों का इनकाउंटर करो, इनकाउंटर इनकाउंटर, रेपिस्टों का इनकाउंटर करो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु, मैं वाईएसआर तेलंगाना पार्टी बेराड़ेपल्ली डिवीजन प्रेसिडेंट के गुलाम साहेब, वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन है मसीउल्लाह, 28 तारीख को एक मासूम लड़की के साथ उनके बेटे और दीगर शख्सियत के, बड़े बड़ी शख्सियत के जिनका नाम शो मीडिया भी नहीं कर रही है, पुलिस भी नहीं कर रही है, ये तमाम मिलके किस्मत रेजी का वाकया पेश आया है हमारी बहन के साथ। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मसीउल्लाह, तुमको शर्म आनी चाहिए, तुम आके 15 दिन हो रहा अपने अहदे का गलत इस्तेमाल करते हुए अपनी औलाद को ऐसी शय दे रहे हैं। जब तुम अपनी औलाद को नहीं संभाल सकती तो वक्फ बोर्ड क्या संभालेंगे? वक्फ बोर्ड की मिल्कियत तुम्हारे बाप की मिल्कियत नहीं है, वक्फ बोर्ड हमारी मिल्कियत है, मुसलमानों की आवाज़ है वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड में तुम रह के ऐसी हरकत नहीं करना, वक्फ बोर्ड से तुम फौरी अपने अहदे से इस्तीफा दो। और होम मिनिस्टर महमूद अली, तुम भी खबरदार है, तुमको भी, तुम जितना ये मामले को दबाना चाह रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं। हमारे वाईएस राजशेखर रेड्डी साहब जो मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन दिए थे, उसके बलबूते पे आज तुम होम मिनिस्टरी की पोस्ट पे है, नहीं तो तुम्हारा विसाद भी कहीं भी नहीं था बाबा। तुम जो उछल रहे ना, मैं होम मिनिस्टर, कौन बनाए तुमको होम मिनिस्टर? पब्लिक बनाई, आवाम बनाई, तुम आवाम की इज्जत के साथ खेलेंगे? ये नहीं चलने वाला है होम मिनिस्टर, थू थू है तुम्हारे ऊपर, वक्फ बोर्ड चेयरमैन तुम पे भी थू थू है, संभल जाओ। वक्फ बोर्ड चेयरमैन को फौरी रिजाइन करो और महमूद अली तुम भी रिजाइन करो, नहीं बोले तो ऐसी वाईएसआर तेलंगाना पार्टी के वर्कर जगह जगह धरना देंगे। जब तक वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को आप सस्पेंड नहीं करते, महमूद अली तुम भी रिजाइन नहीं करते, हम यही करते जाएंगे। जोहार वाईएसआर, जय तेलंगाना, जय शर्मिला का, जय शर्मिला का। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल,
जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजवी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D, डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तियाब है। आपकी उम्मीदों के अहम मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपसे ये गुजारिश है, अगर अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर इसके बाद बेल आइकन बटन को दबा दीजिए तो आपको हमारी आने वाली हर वो अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाएगी। और लाइक और शेयर करना ना भूलें। 7H न्यूज़, सिर्फ आपकी आवाज़।